अगर आप अपने घर, दफ्तर या दुकान में कागज या प्लास्टिक के डिस्पोजेबल कप में चाय पीते हैं तो आज का हमारा ये विश्लेषण आपके लिए है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT खड़गपुर की एक रिसर्च के मुताबिक चाय पीने के लिए डिस्पोजेबल कप का लगातार इस्तेमाल खतरनाक है। इसलिए अगर आप कागज के कप में चाय पीते हैं तो आपको कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। सबसे पहले आपको IIT खड़गपुर की रिसर्च की तीन बड़ी बातें जाननी चाहिए। कागज के कप में गर्म चाय डालते ही उस कप को वाटरप्रूफ बनाने के लिए लगाई गई प्लास्टिक की परत पिघलने लगती है। अगर एक डिस्पोजेबल कप में कुछ मिनट तक गर्म चाय रखी जाए तो उसमें माइक्रो प्लास्टिक्स के 25,000 कण घुल जाते हैं। इनका आकार आपके घर में इस्तेमाल होने वाले नमक के एक कण से भी छोटा होता है और हमारी आंखें इन्हें देख नहीं पाती। प्लास्टिक में मौजूद हानिकारक मेटल्स और दूसरे केमिकल्स भी आपकी गर्म चाय में घुल जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को चाय पीना बेहद पसंद होगा। आजकल सर्दियों के मौसम में आप दिन भर चाय पीते होंगे, कई बार दिन में पीते होंगे। ज़्यादातर दफ्तरों में डिस्पोजेबल कप्स का इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि जिस तरह के आंदोलन आजकल हो रहे हैं, ये किसान आंदोलन में भी लोग प्लास्टिक के या कागज़ के कप्स में ही चाय पी रहे हैं। हालांकि अगर आप दिन भर में 5 बार चाय डिस्पोजेबल कप में पीते हैं तो आपके शरीर में 1,25,000 माइक्रो प्लास्टिक्स के कण पहुंच जाएंगे और लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करने से आपको कैंसर समेत कई खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। माइक्रो प्लास्टिक्स के ये बारीक कण धीरे धीरे आपके शरीर में जमा होते हैं। इससे शुरुआत में आपको डायरिया जैसी बीमारी हो सकती है, आपका पाचन तंत्र खराब हो सकता है, आगे चलकर ये आपकी किडनी, लिवर और इंटेस्टाइन्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं। डिस्पोजेबल कप्स में कुछ हानिकारक केमिकल्स होते हैं। गर्भवती महिलाओं को इस कप का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, आपके होने वाले बच्चे का विकास रुक सकता है और उसे मानसिक बीमारियां भी हो सकती हैं। इससे आपको थकान और एंग्जाइटी जैसी समस्याएं होती हैं। इसमें मौजूद लेड और कैडमियम जैसे हानिकारक मेटल्स आपके मस्तिष्क पर बुरा असर डालते हैं। यानी इससे आपकी ज़िंदगी भले ही आसान होती हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन ये बन सकता है। ऑफिस आए हैं, चाय पीना है तो जो अवेलेबल है उसमें ही हम लोग पी लेते हैं। हमको धोने के लिए परेशानी नहीं होती है, प्योर कूड़ेदान में डाल दो। अगर इन लोगों की तरह आप भी चाय की दुकान पर जाकर चाय पीना पसंद करते हैं तो कागज के डिस्पोजेबल कप का इस्तेमाल करने से बचिए। ऐसे डिस्पोजेबल कप में मिलने वाली गर्मा गर्म चाय आपके शरीर को कैंसर जैसी बीमारियों का रिटर्न गिफ्ट दे सकती है। प्लास्टिक की जो लेयर है वो इसके अंदर होती है, और वो क्यों होती है अगर मैं आपको समझाऊं तो ये जो पेपर है वो गल ना जाए कोई भी गर्म पदार्थ डालते ही, इसलिए इसके अंदर एक प्लास्टिक की लेयर सी डाल दी जाती है। और जब भी कुछ गर्म चीज यानी कि कोई भी गर्म पदार्थ जब इसमें जाता है तो उस प्लास्टिक की लेयर जो इसको कहीं ना कहीं गलने से बचा रही है वो घुलकर इसी चाय में मिक्स हो जाती है। डिस्पोजेबल कप का इस्तेमाल आसान होता है, आजकल बाजारों से लेकर घरों तक इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन हर दिन इसमें चाय या गर्म पानी पीना आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। यानी डिस्पोजेबल कप आपकी जिंदगी को आसान तो बनाता है लेकिन इसके खतरे आपके शरीर को भी नहीं बख्शते। किसी चीज को भी अगर अच्छी तरह उबाल के उसमें डाला जाएगा तो उसमें उसकी टेंडेंसी रहेगी कि वो उसको ब्रेक करके मिक्स हो जाएगा। गर्म पदार्थ डाले जाते हैं या इनको गर्म किया जाता है किसी तरह माइक्रोवेव में, तो ये फिनॉल्स जल्दी ब्रेक करते हैं और जो माइक्रो प्रोडक्ट्स प्लास्टिक के बन जाते हैं ये आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। जब आप कोई भी चीज उसमें डालते हैं वो उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं। देश में प्लास्टिक के खिलाफ अभियान के शुरू करने के बाद से कागज के डिस्पोजेबल कप का इस्तेमाल बढ़ा है। लोग मानते हैं कि इस्तेमाल करके इन्हें फेंक दिया जाता है, इसलिए संक्रमण का खतरा कम है। ये थोड़ा सा चीपेस्ट भी है और अवेलेबिलिटी है इसकी, हर जगह मिल भी जाता है। काफी दिन से ये यूज कर रहे हैं, ऐसा कुछ अभी तो वो हुआ नहीं है कि हाँ कुछ ऐसा नुकसान हो। हमको धोने के लिए परेशानी नहीं होती है, प्योर कूड़ेदान में डाल दो। सिंगल यूज डिस्पोजेबल कप को आप सिर्फ एक बार इस्तेमाल करते हैं, हालांकि इसमें एक प्लास्टिक की लेयर लगी होती है जो इसे वाटरप्रूफ बनाती है। गर्म चाय डालते ही इस प्लास्टिक के कण पिघल जाते हैं
और हर दिन इसका इस्तेमाल आपके शरीर में प्लास्टिक के कण और हानिकारक केमिकल्स पहुंचा देता है, जो आपके शरीर में कई गंभीर बीमारियों की वजह बनती है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट होने की होती है, जैसे बच्चों में अगर ये चीजें यूज करी जाए तो उनकी मेंटल रिटार्डेशन होने के चांसेस रहते हैं, ग्रोथ होने के चांसेस कम हो जाते हैं, नर्वसनेस है, एंजाइटी है, इन पॉलीमर से हो जाती है। ब्रेस्ट कैंसर इज नोन कि इन चीजों से ज्यादा एक्सेसिव लेने से प्रेसिपिटेट हो जाता है जी, तो इस तरह की बीमारियां इनमें लॉन्ग टर्म में इफेक्ट में भी देखी जाती है। तो अगर आप भी अपनी सेहत को मजबूत बनाना चाहते हैं तो डिस्पोजेबल कप से दूरी बनाइए, इसका इस्तेमाल मत कीजिए और हो सके तो इसे दूर से ही नमस्ते बोल दीजिए। वरुण भसीन, जी मीडिया, दिल्ली। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।